डर के आगे जीत है, बहुत सुना होगा। डर के आगे जीत नहीं है, डर के समझने में जीत है। अगर हम डर समझ गए कि हम किस कारण से डर रहे हैं तो हमारी जीत पक्की है। डरते रहने से जीत नहीं आएगी, डर में रहने से जीत नहीं आएगी, डर को समझने से जीत आएगी। तो पहले समझना हमें पड़ेगा, अगर मैं डर को समझना चाहता हूं तो पहले हमें डर के बारे में समझना पड़ेगा कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो डर नहीं है। मनुष्य जब अपने स्वभाव से विपरीत जाता है तब डर लगता है। मनुष्य डर के पैदा नहीं हुआ था, मनुष्य प्यार से पैदा हुआ था। हम अमृत के पुत्र थे, अमृतस्य पुत्रम। तो ये डर आया कहां से, ये समझना पड़ेगा। हमें डरना सिखाया गया। हम जब बहुत छोटे बच्चे थे तो मुझे याद है, मैं अभी भी गांव में देखता हूं, बच्चा सांप पकड़ लेता है, छोटा सा बच्चा कीड़ा मकोड़ा पकड़ लेता है बच्चा, उसे नहीं समझ में आता। वो पूरे रोड पे सामने से ट्रक आती रहती है और वो बीच रास्ते पे खड़ा होता है, उसे ये भी नहीं मालूम कि सामने उसकी मृत्यु आ रही है, उसे डर नहीं लगता, वो मुस्कुराता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मनुष्य का स्वभाव डरना नहीं है। किसने डर सिखाया? मां ने, पिता ने, शिक्षकों ने, टीचर्स ने, समाज ने, दोस्तों ने हमें डरना सिखाया। मैं अगर बताऊं तो हम डरा के जीते हैं। करीब करीब जंगल राज्य है, हम यहां डराने में एक्सपर्टाइज लेते हैं कि हम कितना किसको डरा सकते हैं। तो होता क्या है, 10 साल में तक हम क्या करते हैं, 10 साल तक हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे वो बच्चा 10 साल से 15 साल की तरफ आगे बढ़ता है तो फिर वो बहुत कुछ कर सकता है। 15 साल तक का बच्चा बोलता है मैं बहुत कुछ तक कर सकता हूं। लेकिन वही बच्चा जब 18 से 20 साल की उम्र में आता है तो वो कुछ कुछ कर सकता है, और जैसे वो 25 साल की उम्र में पहुंचता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये हमारी ग्रोथ चार्ट है। हम ग्रो नहीं कर रहे, हम डीग्रो कर रहे हैं, और उसका सीधा कारण है जो अर्जुन को कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया। अगर हमें डर को वास्तविक रूप में समझना है तो हमें अर्जुन और कृष्ण के संवाद को समझना पड़ेगा, और वो बहुत सीधा संवाद है जिसे आज तक मैं भी नहीं समझ पाया था। बहुत हाल में आके मैंने उसको बार बार पढ़ा, बार बार समझा, बहुत बार देखा, तब अपनी जिंदगी के ऊपर मैंने उसको लाने की कोशिश की, तब समझ में आया कि आखिर कृष्ण अर्जुन को कह क्या रहे हैं। हमें अर्जुन को पहले बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अर्जुन है कौन? अगर मैं अर्जुन का शाब्दिक मतलब बताऊं तो अर्जुन बना है ऋजु वर्ड से, और ऋजु का मतलब होता है सीधा साधा, और उसके आगे और लगा दिया, इसका मतलब अर्जुन सीधा साधा नहीं है, जितना देखने में है वैसा वो नहीं है। और अर्जुन है कौन? एक क्षत्रिय। अर्जुन ने बचपन से क्या सीखा है? युद्ध करना, लड़ना। और अर्जुन कर क्या रहा है? अभी युद्ध से भाग रहा है। मतलब ये बहुत सीधा साधा कोई भी समझ सकता है कि मैंने जो 20 साल तक काम किया, मैंने जो 15-16 साल तक काम किया, जो जो मैंने शिक्षा ली, अब मैं वो करना नहीं चाहता तो मेरे स्वभाव में परिवर्तन होगा। यानी मैं अपने डीएनए से अलग हो रहा हूं, मैं अपने स्वभाव से अलग हो रहा हूं। मैं इसको बोलूं तो मैं अपने धर्म से अलग हो रहा हूं। मैंने जैसे धर्म का नाम लिया, शायद आप चौंक गए होंगे कि धर्म का मतलब सर आप तो रिलीजन की बात कर रहे हैं। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, धर्म का मतलब होता है स्वभाव, धर्म का मतलब होता है गुण, धर्म का मतलब होता है डीएनए। आप अपने स्वभाव से अलग होंगे, मैं अपने स्वभाव से अलग होऊंगा तो मुझे डर लगेगा। अब लता मंगेशकर का स्वभाव बचपन से गाना गाने का था, और उसको कह दिया जाए कि तू जाके चाय बेच,
उसका ध्यान चाय में लगेगा, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगी? अब उसे वहां डर लगेगा। अगर मैं बोलूं सचिन तेंदुलकर को कि तू क्रिकेट मत खेल, वो बचपन से उसका स्वभाव क्रिकेट खेलने का है, और उसे बोलें कि तू जाके पॉलिटिक्स कर, क्या वो जीत पाएगा? क्या वो सफल हो पाएगा? नहीं। क्यों? चूंकि उसका स्वभाव ही नहीं है। तो अर्जुन का स्वभाव युद्ध करना था, और जब सामने युद्ध की घड़ी है तो वो अब वहां से हटना चाहता है, वो युद्ध नहीं करना चाहता, और कृष्ण को उल्टा समझाने की कोशिश करता है कि ये युद्ध तो बेकार है, इस युद्ध में किसी का भला नहीं है, मतलब भला नहीं है। तब अर्जुन को कृष्ण ने जो समझाया, वो डर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। डर को समझने के लिए अर्जुन का संवाद कृष्ण के साथ जो है वो कंप्लीट टेक्स्ट है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, बहुत जब धनुष छोड़ दिया, जब बोला कि नहीं जी मैं अब नहीं लड़ूंगा, मेरे हाथ पैर कांपने लगे हैं, मैं अब वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो डिप्रेशन का मतलब भी होता है अपने स्वभाव से अलग हो जाना। जितने लोग हॉस्पिटल में डिप्रेशन में हैं, वो बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो बहुत तेज लोग हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन वो अपने स्वभाव से अलग हो गए, इसलिए वो डिप्रेशन में, डीएनए से अलग हो। तो अर्जुन जब अलग हुआ तो कृष्ण का संवाद बहुत समझने लायक है। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तू क्षत्रिय है। अब वो उसके स्वभाव के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो उसको डीएनए से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि देख जो तू है वो अब नहीं है, तू कुछ और बनना चाहता है, तो तू जो है पहले वो बन जा, तब वो कुछ और बनना। एक्चुअल मैं बताऊं, अगर मैं कृष्ण की भाषा में, या मैं अगर अपनी बात बताऊं कि अर्जुन बनना क्या चाहता है, तो अर्जुन लेक्चरर बनना चाहता है, अर्जुन फिलोसोफर बनना चाहता है, अर्जुन क्षत्रिय नहीं बनना चाहता, अर्जुन ब्राह्मण बनना चाहता है कि नहीं नहीं युद्ध तो नहीं करना चाहिए, ये मारपीट में क्या रखा है, आप बेकार कह रहे हैं लड़ने के लिए, ये सब ठीक बात नहीं है, इससे समाज खत्म हो जाएगा, इससे पूरा वर्ण व्यवस्था टूट जाएगी, इससे आगे आने वाली सदियां वो खराब हो जाएगी। वो ऐसे बात कर रहा है जैसे वो कितना बड़ा ज्ञानी हो। कृष्ण ने कहा तू बाद में ब्राह्मण बनना, पहले तो जो तू है पहले वो बन जा, पहले जो तुझे आता है वो कर, और फल की बात तो तू सोच रहा है। अर्जुन यहां फल की बात कर रहा है, क्या कह रहा है वो कि आने वाली सदियां मुझे माफ नहीं करेंगी, आने वाली के आने वाला जो हमारा खानदान है, हमारा जो कुल है, वो सब खत्म हो जाएगा, वो रिजल्ट की बात कर रहा है। और कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू फल की चिंता तो छोड़, पहले जो तू स्वभाव तेरा है पहले उसके ऊपर ध्यान दे, और यू डोंट वरी फॉर द रिजल्ट। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू फल की चिंता बेकार कर रहा है और इसीलिए तुझे डर उत्पन्न हो रहा है। जो मनुष्य फल की चिंता करके काम करने की कोशिश कर रहा है और करता है, उसे ही डर लगता है। तो फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि फिर अर्जुन कृष्ण को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो क्या वो जीतना नहीं चाहते? यहां पे बहुत बड़ा ट्रिक है, यहां पे बहुत बड़ा समझदारी की बात है। कृष्ण ने कहा कि जब तू मन से लड़ेगा, जब तू मन से काम करेगा, तो फिर फल अवश्य ही मिलेगा तुझे। बेमन से काम करेगा, आधे मन से काम करेगा, बिना सोचे समझे काम करेगा, तब तू हारेगा। इसलिए फल की चिंता उसे नहीं होनी चाहिए, जो मन से लगा हुआ है, जो अपना 100% दे रहा है, उसको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो फिर उसमें डर का कोई स्वभाव प्रश्न ही नहीं उठता। हमारा डर केवल तीन कारण से होता है। पहला, जो हम हैं वो कर नहीं रहे हैं। दूसरा, हम जो कर रहे हैं वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे के मन से कर रहे हैं, यानी हमारे ऊपर कोई दूसरा लेप लगा दिया गया है। आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी एल्स। कभी कभी मैं अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में हूं, कभी अपने गर्लफ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में हूं, कभी बॉयफ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में हूं, कभी फैमिली के इन्फ्लुएंस में हूं, तो वहां डर लगेगा। और तीसरा है, मैं बिना सोचे समझे काम कर रहा हूं। एक्चुअली तीन कर्म होते हैं, एक तो मैं शरीर से काम करता हूं,
दूसरा मैं बोलता हूं, बोल के काम करता हूं, और तीसरा मैं मन से काम करता हूं, सोच के करता हूं। अगर इन तीनों में तारतम्य होगा, इंटीग्रिटी होगी, तीनों अगर जुड़े होंगे तब रिजल्ट 100% आने का है, तब डरने का प्रश्न ही नहीं पड़ता। तो कृष्ण के कहने का बहुत सीधा मतलब है कि तू जिस कुल में पैदा हुआ है, तू जिस खानदान में पैदा हुआ है, तेरा क्षत्रिय का खानदान है, तू बचपन से युद्ध की भाषा जानता है, तूने द्रोणाचार्य के यहां स्कूल में जाके युद्ध की शिक्षा ली है, अब एग्जामिनेशन आ गया तो तू भाग रहा है, इसी में अवसाद पैदा होता है। भागने से अवसाद पैदा होता है, भागने से डिप्रेशन पैदा होता है, फेस करने में, लड़ने में अगर मृत्यु भी आ जाए। कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि तेरे हाथ में तो लड्डू है दोनों तरफ, अगर तू जीता तो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल राजा होगा, राजगद्दी मिलेगी, सारी संपत्ति मिलेगी, और अगर तू हार भी गया तो लड़ते लड़ते अपने धर्म में लड़ा है, अपने स्वभाव में लड़ा है, तो तू वीरगति को प्राप्त करेगा और मेरा राज्य भोगेगा, मेरे दिल पे राज करेगा। तो अगर हम डर रहे हैं तो डरने का कारण समझना है कि हम केवल फल की चिंता करते हैं, कर्म पे ध्यान नहीं देते, इसलिए हमें डर लगता है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो रतन टाटा को देखें, नैनो फेल हो गई लेकिन ही डिडंट गेट अफ्रेड ऑफ इट, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। और रतन टाटा ने तो यहां तक कहा, जो मैं उनको बार बार सुनता हूं, उन्होंने कहा मैं सही डिसीजन नहीं लेता, उसमें विश्वास नहीं करता, मैं डिसीजन ले लेता हूं और उसके बाद उसको सही करता हूं। यानी उनके पास एक थॉट है, उस थॉट पे, उस आइडिया पे वो अपने आप में लग जाते हैं, रिसर्च करते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, क्या होगा इसकी चिंता नहीं करते। तो जो भी सक्सेसफुल आदमी है एक आइडिया पे काम करता है, वो रिजल्ट पे काम नहीं करता। जो भी सक्सेसफुल आदमी है वो कर्म पे काम करता है, अपने काम पे ध्यान देता है। रिजल्ट तो बहुत कारणों से प्रभावित होता है। हमने मन से काम नहीं किया, हमने बिना सोचे समझे काम किया, हमने जो कहा वो किया नहीं, हमारे शरीर ने हमारा साथ नहीं दिया 100%, तो देर आर मेनी वेज कि हम रिजल्ट नहीं पा पाएंगे 100%। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका तो कहना है कि रिजल्ट 100% नहीं, 1,00,000% मिलता है अगर मैं अपने मन, अपने कर्म, अपने डीएनए, अपने स्वभाव, अपने गुण, अपने धर्म के अनुसार काम करूं, तो फिर कोई ताकत उस पृथ्वी की रिजल्ट से रोक नहीं सकती। इसलिए महाभारत का जो युद्ध है वो डर भगाने वाला युद्ध है, डराने वाला युद्ध नहीं है। और गीता का जो संदेश है कृष्ण का, वो अवसाद मिटाने वाला है, डर मिटाने वाला है। इसलिए हमें कृष्ण और अर्जुन के संवाद को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि मैं अपने स्वभाव के अनुसार काम करूंगा, जैसे मुझे बोलना अच्छा लगता है और मैं बोल रहा हूं तो मुझे सफलता मिलेगी। जैसे कोई गाना गाना चाहता है और वो गाना 100% अपने मन से गा रहा है तो सारी चीजें अपने आप उसके पास आएंगी। कोई फिजिक्स में अच्छा मन लगता है, उसको साइंटिस्ट बनना है, तो अगर वो अपने काम में लगा रहेगा तो सारी चीजें उसे अपने आप मिलेंगी। इसलिए आई रिक्वेस्ट कि हम अपने कर्म पे ध्यान दें, फल पे नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कमेंट करें, आप शेयर करें, आप हमें बताएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।